नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश भोंगारड़े। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शेयर थॉट्स में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम थ्योरीज और साथ ही इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के मेरे तरीके भी। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। कैंडलस्टिक स्टॉक प्राइस को सीधे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कैंडलस्टिक स्टॉक प्राइस का सीधा इंप्रेशन होता है। इसलिए कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अगर कैंडलस्टिक का इस्तेमाल होता है तो मोर एक्यूरेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स निकालना आसान होता है। कुछ कैंडलस्टिक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के अंत में आते हैं तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, लेकिन कैंडलस्टिक अकेले ट्रेंड रिवर्सल डिसाइड नहीं कर सकते हैं। हर कैंडलस्टिक ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल दोनों बताता है, इसलिए कैंडलस्टिक को ऑसिलेटर या किसी और पैरामीटर के साथ जोड़कर देखना ज़रूरी होता है। ऑसिलेटर ये स्टॉक प्राइस से डिराइव किए जाते हैं, इसलिए ऑसिलेटर ये स्टॉक प्राइस के डेरिवेटिव होते हैं। मतलब स्टॉक प्राइस में होने वाले बदलाव ऑसिलेटर में दिखने के लिए देर लग सकती है। इसलिए अच्छा ये होता है कि कैंडलस्टिक को ऑसिलेटर या ऐसे पैरामीटर जो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल के संकेत देते हैं उसके साथ जोड़कर ट्रेडिंग मेथड तैयार करना। बॉलिंजर बैंड ये स्टॉक प्राइस की वोलेटिलिटी मेजर करता है। मतलब बॉलिंजर बैंड श्रिंक होने का मतलब प्राइस में वेरिएशन कम रहता है, जबकि बॉलिंजर बैंड का एक्सपांड होना स्टॉक प्राइस में वेरिएशन बढ़ने के संकेत देता है। बॉलिंजर बैंड का श्रिंक या एक्सपांड होना और उसी वक्त पर्टिकुलर कैंडलस्टिक चार्ट में दिखना, ये ट्रेडिंग के अवसर प्रदान कर सकता है। इसके लिए मेरे तीन फेवरेट कैंडलस्टिक हैं। मेरा पहला पसंदीदा कैंडल है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ये बायर और सेलर में संभ्रम बताता है। बायर प्राइस ऊपर उठाते हैं और सेलर उसे नीचे लेके आते हैं। इसी खींचातानी में दोनों तरफ बॉडी इतने या उससे भी ज़्यादा लंबे टेल बनते हैं। ये संभ्रम यानी कि स्पिनिंग टॉप कैंडल अगर बॉलिंजर बैंड की ऊपरी रेखा पर या उसके बाहर होता है तो ये संकेत होता है कि अगला कैंडल रेड हो सकता है, और अगर ये कैंडल गैप अप ओपन हुआ है या रेड है तो ये और भी बढ़िया संकेत होता है। दूसरा कैंडल है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बताता है कि बायर ने प्राइस बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन सेलर ने एक विशिष्ट प्राइस के बाद प्राइस बढ़ने नहीं दिया। एक विशिष्ट प्राइस के बाद सेलर ने प्राइस बढ़ाने को रेजिस्टेंस लगा दिया। अगर ये सिचुएशन बॉलिंजर बैंड के ऊपरी रेखा पर बनता है, मतलब शूटिंग स्टार अगर बॉलिंजर बैंड के ऊपरी रेखा पर या उसके बाहर बनता है तो अगला कैंडल रेड बन सकता है, और अगर ये कैंडल गैप अप ओपन होता है या रेड है तो ये संकेत और भी अच्छा होता है। तीसरा कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी बताता है कि ओपन प्राइस के ऊपर बढ़ने वाली तकरीबन हर एक कीमत पर सेलर सेल कर रहे हैं और प्राइस बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मतलब ग्रेवस्टोन डोजी अगर बॉलिंजर बैंड के ऊपरी रेखा पर या उसके ऊपर बनता है तो ये संकेत होता है कि अगला कैंडल रेड हो सकता है, और अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी गैप अप ओपन होता है या रेड है तो ये और भी बढ़िया संकेत माना जाता है। आइए अब इस टेक्निक को एक्चुअल चार्ट्स पर आजमा कर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्पिनिंग टॉप और बॉलिंजर बैंड का ऊपरी लेवल। ये रेन इंडस्ट्री का चार्ट है। 27 अप्रैल को कैंडलस्टिक चार्ट में जहाँ पर मैंने एरो दिखाया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बन चुका है। हालांकि ये गैप अप ओपन नहीं हुआ है, लेकिन कैंडल रेड है। स्पिनिंग टॉप की तकरीबन पूरी बॉडी बॉलिंजर बैंड के बाहर हो चुकी है। स्पिनिंग टॉप रेड होना और कैंडलस्टिक बॉडी बॉलिंजर बैंड के बाहर होना, ये दोनों संकेत देते हैं कि अगला कैंडल रेड हो सकता है। बॉलिंजर बैंड की ऊपरी रेखा ओवरबॉट लेवल दर्शाती है। इस रेखा पर या उसके बाहर स्पिनिंग टॉप तैयार होने का मतलब अगला कैंडल रेड हो सकता है। आप देख सकते हैं अगला कैंडल रेड हो चुका है। ये स्टॉक एक दिन में तकरीबन 2.5% गिर चुका है। इसी चार्ट के शुरू में 9 अप्रैल को अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे तो एक गैप अप और रेड ग्रेवस्टोन डोजी बन चुका है, और ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर बना है। ये एक पूरी तरह से आइडियल कैंडल है। इसका संकेत यही है कि अगला कैंडल रेड हो सकता है। आप देख सकते हैं अगला कैंडल रेड हो चुका है। एक दिन में ये तकरीबन 8 से 9% गिर चुका है। आइए देखते हैं अगला चार्ट। ये डेल्टा कॉर्पोरेशन का चार्ट है।
8 मार्च को जहाँ पर मैंने एरो दिखाया है, वहाँ पर अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे तो वहाँ पर एक गैप अप और रेड स्पिनिंग टॉप बन चुका है। स्पिनिंग टॉप की पूरी बॉडी बॉलिंजर बैंड के बाहर है। ये एक आइडियल कंडीशन है, स्पिनिंग टॉप का गैप अप ओपन होना और साथ ही कैंडल रेड होना। ऊपर से ये कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर है। ये सब बातें संकेत देती है कि अगला कैंडल रेड होने हो सकता है। आप देख सकते हैं अगला कैंडल रेड हो चुका है। एक दिन में ये तकरीबन 3.5% गिर चुका है। अब देखते हैं शूटिंग स्टार और बॉलिंजर बैंड का ऊपरी लेवल। कैंडलस्टिक चार्ट में जहाँ पर मैंने एरो दिखाया है, वहाँ पर एक शूटिंग स्टार बन चुका है। ये शूटिंग स्टार रेड नहीं है, लेकिन गैप अप ओपन हो चुका है और ये बॉलिंजर बैंड के बाहर है। ये शूटिंग स्टार का मतलब सेलर का बायर पर हावी होना होता है। और अगर ये कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर बना है, बॉलिंजर बैंड का ऊपरी लेवल ओवरबॉट लेवल दर्शाता है। इसका मतलब है कि अगला कैंडल रेड हो सकता है। अगला कैंडल रेड हो चुका है। ये एक दिन में तकरीबन 9% तक गिर चुका है। लेकिन अगर आप 23 जनवरी का कैंडल देखेंगे तो ये भी एक शूटिंग स्टार ही है। गैप अप ओपन हो चुका है और पूरी बॉडी तकरीबन बॉलिंजर बैंड के बाहर है। लेकिन अगला कैंडल यानी कि 24 जनवरी का जो कैंडल है वो रेड नहीं हुआ है, इसलिए स्टॉप लॉस बहुत मायने रखता है। असल में अगर सेफर ट्रेड करना है तो कैंडल गैप अप ओपन होना चाहिए और रेड भी होनी चाहिए, और वो बॉलिंजर बैंड के ऊपरी लेवल पर या उसके बाहर होनी चाहिए, तभी ट्रेड लेना चाहिए। अब देखते हैं अगला चार्ट। टाटा मोटर के इस कैंडलस्टिक चार्ट में जहाँ पर मैंने एरो दिखाया है, यानी कि 13 जुलाई को आप देखेंगे तो वहाँ पर एक प्रोमिनेंट शूटिंग स्टार बन चुका है और ये गैप अप ओपन हो चुका है। हालांकि ये रेड नहीं है, लेकिन इस कैंडल की तकरीबन पूरी बॉडी बॉलिंजर बैंड के बाहर है। बॉलिंजर बैंड की ऊपरी रेखा ओवरबॉट लेवल दर्शाती है। ओवरबॉट लेवल पर शूटिंग स्टार तैयार होना इस बात का संकेत होता है कि अगला कैंडल रेड हो सकता है। आप देख सकते हैं 14 मई का कैंडल रेड हो चुका है। एक दिन में ये तकरीबन 4% तक गिर चुका है। ठीक इसी तरह आप अपने पसंदीदा स्टॉक पर ये मेथड अपना कर देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं ग्रेवस्टोन। ग्रेवस्टोन दोजी में छोटी बॉडी बन सकती है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। ये कैंडल गैप अप ओपन नहीं हुआ है और रेड नहीं है, लेकिन कैंडल की पूरी बॉडी बॉलिंजर बैंड के ऊपर है यानी कि बाहर है। बॉलिंजर बैंड के बाहर अगर सेलर बायर पर हावी होते हैं तो ये सिग्नल है कि अगला कैंडल रेड हो सकता है। 4 जून को आप कैंडलस्टिक चार्ट में देख सकते हैं कि ये कैंडल रेड हो चुका है। एक दिन में ये तकरीबन 4% तक गिर चुका है। अब देखते हैं अगला चार्ट। ये रेन इंडस्ट्री का चार्ट है। 11 अप्रैल को कैंडलस्टिक चार्ट में मैंने जहाँ पर एरो दिखाया है, वहाँ पर एक ग्रेवस्टोन दोजी बन चुका है। ये गैप अप ओपन हुआ है और रेड है। इस कैंडल की पूरी बॉडी बॉलिंजर बैंड के बाहर है। ये पूरी तरह से एक आइडियल बॉडी है। अगला कैंडल आप देख सकते हैं रेड बन चुका है। एक दिन में ये तकरीबन 11% तक गिर चुका है। अगर आप 10 अप्रैल यानी कि ग्रेवस्टोन दोजी के पहले का कैंडल देखेंगे तो ये एक शूटिंग स्टार बन चुका है। ये कैंडल रेड नहीं है, लेकिन गैप अप ओपन हुआ है और कैंडल की पूरी बॉडी बॉलिंजर बैंड के बाहर है। अगला कैंडल रेड ग्रेवस्टोन दोजी हो चुका है। इस दिन अगर आप ट्रेड करते तो आपका प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन नुकसान भी तो नहीं होता अगर आप अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस लगाते तो। इसलिए ये इंट्राडे के लिए एक अच्छा टेक्निक है। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पर ये मेथड अपना कर देखेंगे, आप ज़्यादा ट्रेंड बनते जाएंगे। आप समझ ही गए होंगे कि ट्रेड करना कैसे है। हर ब्रोकरेज हाउस जो ऐप प्रोवाइड करता है, उस ऐप से शाम को जब मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट के साथ बॉलिंजर बैंड को जोड़कर देखना चाहिए। और 3 में से कोई भी एक कैंडल अगर गैप अप ओपन होता है, कैंडल रेड बन चुका है, और ये कैंडल अगर बॉलिंजर बैंड की ऊपरी रेखा पर या उसके बाहर पैदा होता है, तो आपको प्री ओपन सेल कर देना चाहिए। यानी कि कल का मार्केट ओपन होने से पहले ही स्टॉक सेल करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये काफ़ी सारे चार्ट स्टडी करने के बाद समझ में आ जाएगा। एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट लेना चाहिए ये पहले तय हो तो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% प्रॉफिट ये ठीक बात है। उसके बाद उस दिन का मार्केट क्लोज होने से पहले ही बाय करके निकलना चाहिए।
ये टेक्निक डे ट्रेडिंग के लिए अच्छा साबित हो सकता है, मिनट या अर्ली कैंडल पर ये सटीक नहीं बैठ सकता है। अगर ट्रेड गलत होता है तो पोजीशन दूसरे दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, मतलब स्टॉक उसी दिन बाय करके निकलना चाहिए। एक ट्रेड अगर गलत होता है तो दूसरा ट्रेड उस दिन नहीं करना चाहिए। मेरा ये टेक्निक ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक के पास्ट चार्ट पर पहले आजमा कर देखना चाहिए ताकि आपको फॉल्स सिग्नल समझ में आ जाए। आपका वॉच लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो तो अच्छा है। मार्केट खत्म होने के बाद बॉलिंजर बैंड के साथ वॉच लिस्ट जोड़कर देखने में आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए मुझे और भी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।